हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 4। सो आज हम करेंगे मेंटल मैथ 8। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ ए, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सो यहाँ हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हैं जिनको ऐड करना है, यानी यहाँ सेम नहीं है सभी, उनको ऐड कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/10 प्लस 9/20 प्लस 17/30। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 10, 20 और 30 का हम साइड में एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड देंगे, 2 5 से 10, 2 10 से 20, और 2 से 30 में देंगे तो 2 1 से 2 और 2 5 से 10, इधर कैरी जाएगा तो 15 बार चला गया। फिर अगेन 2 से देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 2 से 10 में जाएगा 5 टाइम, 15 में नहीं जाएगा। अब देखिए, इन तीनों नंबर्स में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम ऑड नंबर लेंगे जिससे हमारा 15 में चला जाए। तो 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 से 15 कट जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए, तीनों ही नंबर्स हमारे 5 हैं, तो डायरेक्ट हम 5 ले लें, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। अब ये हमारा आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। तो देखिए, जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि जो हमारा एलसीएम आता है उसमें हम वन बाई वन करके डिवाइड देते जाएं, पहले 10 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 6, फिर 60 में हम 20 का डिवाइड दे दें तो क्या आएगा हमारा 3, फिर 60 में हम 30 का डिवाइड दे लें तो क्या आएगा 2, यानी 30 से 2 बार डिवाइड जाएगा। तो इस टाइप से हमने तीनों के जो डिवाइड हैं वो निकाल लिए। अब देखिए, जैसे हमारा पहला वाला नंबर है 3/10, तो इसका जो हमारा डिवाइड देकर आया वो है 6, तो इस 6 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 6 3 ज़ा 12 प्लस, फिर सेकंड वाले नंबर 3 का मल्टीप्लाई हम सेकंड वाले के ऊपर वाले से करेंगे, यानी 9 से, तो 3 9 ज़ा 27, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ जो थर्ड वाला है उसके जो थर्ड वाले नंबर का जो न्यूमरेटर है 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 टू ज़ा 34। अब देखिए, तीनों ही मल्टीप्लाई कर पहले हम इसमें एलसीएम में डिवाइड देंगे, फिर जो डिवाइडर आएगा यानी जो हमारा आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से करेंगे, तो ये आ गया हमारा 12 27 34, और अपॉन में हम इन तीनों नंबर्स को नहीं बल्कि जो हमारा एलसीएम आया उसको रख देंगे 60 को। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आया हमारा 7 और 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 का 3 1 कैरी, 3 एंड 4, 4 और 2 6, 6 एंड 1 73 अपॉन 60। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 70 अपॉन 60। ऐसे ही मैं आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला करके बता रही हूँ डी। सो देखिए, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो और उसको ऐड करना हो तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये आ गया 5 ऊपर, और नीचे जो होता है नंबर वही का वही आ जाता है। प्लस किया, 3 1 ज़ा 3 और 1 4/3 प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13/4। अब इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 3 एंड 4 का 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से अगेन डिवाइड देंगे, 3 का 3 आएगा, 1 का 1, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 ज़ा 3। अब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 12। तो यहाँ 12 लिख लेंगे, फिर 1 बाई 1 करके डिवाइड देंगे, पहले हम 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 12 में हम
नेक्स्ट वाले नंबर 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, फिर 12 में हम 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3। तो इस टाइप से अब ये हमने डिवाइड देकर निकाली, अब इनका 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो 6 5 30। फिर हम 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, सेकंड वाले का 4 4 8 सॉरी 16, एंड 3 का मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे 39। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे जो हमारा एलसीएम था वो लिख लेंगे 12। अब ऊपर वाले हमें ऐड करने हैं, सभी को ऐड कर लें, तो 9 और 6 हो गया हमारा 15, 1 कैरी, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 3 8, तो 85/12 आ गया हमारा। सो इस टाइप से ये हो गई हमारी मेंटल मैथ्स का एक क्वेश्चन, और इसका हम क्वेश्चन नंबर बी नहीं कर रहे हैं। सो आप सभी अपनी बुक्स में इसको कट कर दें। नेक्स्ट है हमारी मेंटल मैथ 9, जिसमें हमें दिए हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जैसे हम ऐड करते हैं ऐसे ही सेम वे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस पूरा जो तरीका है वो वही है एलसीएम लेकर माइनस करने का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि माइनस करना है उसमें प्लस करते हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको जी बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर इसको, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 24 में 3 ऐड किए तो कितना आया 27/4। मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, वो ऊपर लिखते हैं नीचे। अब देखिए 5 4 20 20 में 4 जोड़े तो 24/5, यानी जो नीचे होता है वो वैसा का वैसा। अब ये देखिए ये आ गया हमारा 27/4 और ये आ गया हमारा 24/5। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड जाएगा, फिर अगेन 2 से, अब 5 का 5 से, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 20। अब देखिए यहाँ 20 में पहले 4 से डिवाइड दे लें तो कितना आएगा 5, और 20 में फिर हम 5 से डिवाइड दे लें तो कितना आएगा 4। अब इस 5 का मल्टीप्लाई हमें 27 से करना है और इस 4 का मल्टीप्लाई हमें 24 से करना है। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, माइनस 4 4 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 and 1 9, तो ये आ गया हमारा 96 और ये आ गया 135। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो 15 - 6 इस ये हो गए हमारे 9, एंड यहाँ बचे हमारे 2, तो ये 12 हो गए, 12 - 9 is 3, तो ये हो गया हमारा 39/20। सो ये इस टाइप से हम माइनस वाले सारे सॉल्व करेंगे।